सुप्रभात बच्चों, एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है दशम पाठ, कृषकः कर्मवीरः। कृषक की कर्मवीरा, कर्मनिष्ठा, मतलब कृषक जो कर्म करता है, कार्य करता है, उसकी वीरता के बारे में बतलाया गया है। श्लोक है, सूर्यस्तपतु मेघः वा वसन्तु विपुल जलम्, कृषिका कृषको नित्य शीतकाले अपि कर्मठो। यानी सूर्य तपतु, सूर्य तपता है मेघावा, और मेघा भी होती है, बरसात भी होता है, सूर्य भी तपता है, बरसात भी होती है। अथवा वसंतु विपुल जलम, अत्यधिक जल भी होता है, मतलब सूर्य इतनी तेजी से तपता है और मेघ भी इतनी तेजी से बारिश करते हैं, फिर भी कृषिका यानी कि जो कृषक की पत्नी है वो, और कृषक को यानी कृषक, नित्य शीतकाले अपि कर्मठो, शीतकाल में भी अपना कर्म करते रहते हैं। मतलब जब भी गर्मी होती है, बारिश होती है या सर्दी होती है, कुछ भी हो जाए, सर्दी गर्मी बारिश, लेकिन कृषक अपना कार्य करते रहते हैं। कृषक का क्या कार्य है? खेती करना। तो कृषक चाहे खेत गर्मी हो, चाहे सर्दी हो या बारिश हो, लेकिन अपना कृषि कार्य करते रहते हैं। कृषक स्वयं और उसकी पत्नी दोनों मिल करके नित्य उस काम में कर्मठ रहते हैं। वे कभी अपने कार्य को छोड़ते नहीं हैं, निरंतर क्रियाशील रहते हैं। कर्मठ हो यानी कि निरंतर क्रियाशील रहना। तो कृषक अपने कार्य में निरंतर क्रियाशील रहते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो या चाहे सर्दी हो, लेकिन कृषक अपने कार्य को कभी भी नहीं छोड़ता है, निरंतर करता रहता है। अगला है, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमय सदा, हलीन हलीन च कुंडालीन तौ ते क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे यानी गर्मी में शरीरम सस्वेद, शरीर में पसीना आ जाता है, किसके? कृषक के। कृषक की पत्नी और पति दोनों मिलकर के खेती करते हैं, तो गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर कृषक के शरीर में पसीना आ जाता है। और शीते कंपाय मन सदा, और शीतकाल जब होती है तो वो उनका शरीर कंपायमान हो जाता है, मतलब बहुत ठंड के मारे उनका शरीर कांपने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में तो शरीर से पसीना निकलता है, और शीतकाल में शरीर कंपायमान रहता है। फिर भी हलेन च कुदालेन तव, तव यानी वे दोनों, हल और कुदाल से तो क्षेत्राणि कृषतः, और अपने खेत को हमेशा जोतते रहते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वे अपने कार्य में हमेशा क्रियाशील रहते हैं। गर्मी के समय में उनको पसीना आ जाता है, शरीर में उनका शरीर कंपायमान रहता है सर्दी में, फिर भी हल और कुदाल से वे दोनों खेती का कार्य करते रहते हैं। वे अपने कार्य को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, अपने क्रिया कार्य में क्रियाशील रहते हैं। अगला है, पादयून पाद प्राणी शरीरे वसनानि नौ, निर्धन जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयो पद त्राणे यानी कि उनके पैरों में चप्पल भी नहीं होते हैं, और शरीर में शरीर पर वस्त्र भी नहीं होते हैं, मतलब उनके पैर भले चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, कितनी भी सर्दी हो जाए, वो अपने पैरों में चप्पल होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो भी अपने खेतों में कार्य करते ही रहेंगे। तो वो इतने गरीब होते हैं कि उनके पैरों में चप्पल मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन अपने कार्य में वो क्रियाशील रहते हैं, अपने कार्य को वो कभी नहीं छोड़ते हैं और परिश्रम करते रहते हैं, और शरीर पर वस्त्र हो ना हो, लेकिन अपने कार्य में क्रियाशील रहते हैं, और अपने को बदले में अनाज देते हैं। तो किसान कितनी मेहनत करते हैं, पैरों में चप्पल भी नहीं होते हैं, शरीर पर पूरे वस्त्र भी नहीं होते हैं, निर्धन जीवन कष्टम, और निर्धनता से अपना जीवन कष्टपूर्ण बिताते हैं। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख तो उनसे बहुत ही दूर रहता है, मतलब उनका जीवन इतना कष्टदायक होता है,
इतने निर्धन होने के बावजूद भी खेती का कार्य करते रहते हैं और अपना परिश्रम करते हैं और हमको अनाज प्रदान कराते हैं। तो कृषक इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं और सुख तो उनसे बहुत ही दूर रहता है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टि वारयितुं समम् तथापि कर्म वीरत्व कर्षिकाणां न नश्यन्ति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टि वारयितुं समम्, यानी कि ग्रह, क्या ग्रह मतलब घर, उनका घर जो होता है वो बहुत ही जीर्ण होता है, मतलब टूटा फूटा होता है। उनका घर बहुत ही पुराना होता है तो बहुत ही टूटा फूटा होता है, और बरसात आने पर उनका वर्षासु वृष्टि यानी बरसात आने पर उनके घर में सभी जगह से पानी टपकता रहता है। तथापि कर्म वीरत्व कृष्णा काणाम न नश्यन्ति, लेकिन फिर भी वो कर्मवीर अपने कृषि कार्य में कोई भी बाधा नहीं डालते हैं, मतलब अपने घर में इतनी कठिनाई होने के बावजूद भी वो कृषि का कार्य निरंतर करते रहते हैं, उसको कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सयस्य पुराणी सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। तयो यानी वे दोनों, कौन, कृषक पति पत्नी दोनों, श्रमेण क्षेत्राणि श्रम करते हैं, क्षेत्राणि यानी खेत में, सस्य पुराणी सर्वदा और हरियाली फैलाते हैं धरती पर, कृषि का कार्य करते हैं और अनुगते हैं तो धरती पर क्या होता है, फसल उगती है तो फसल उगाते हैं, अपने खेत को हरा भरा करते हैं। धरित्री सरसा जाता, जिससे कि धरती हरी भरी हो जाती है, या शुष्का कंठ का व्रता, जो कि सूखी होती है, जो खेत सूखा पड़ा होता है, जहाँ पे कांटे उगे तिनके अगर होते हैं तो उसको भी वो क्या कर देते हैं, कृषक हरा भरा कर देते हैं। जो खेत सूखे पड़े होते हैं, कांटेदार होते हैं, उनको भी हटा करके वहाँ पर उन वे हरियाली ला देते हैं। तो इतना कार्य किसान करते हैं। अगला है, शाकमन्न फलम दुग्ध दत्ता सर्वेभ्य एवतो श्रुदा श्रुषाकृतु कुलो नित्यम विचित्रो जन पालको। शाकम और अन्न, शाकम यानी सब्जी, अन्नम यानी कि अनाज, फलम दुग्धम यानी फल और दुग्ध दत्वा देते हैं, सर्वेभ्य एवतो वे सभी, एवतो एव यानी ही, तो यानी दोनों, वे दोनों हमेशा हमको क्या देते हैं, शाक अन्न फल दूध देते हैं। शुद्धा तृष्णा कुलो नित्य विचित्र जन पालको, यानी खुद भी भूख प्यासे रहते हैं, नित्य हमेशा भूखे प्यासे रहते हैं, ऐसे हैं वे विचित्र लोग जो जन पालको जनता का पालन करते हैं, मतलब कि वो खुद भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा शाक अन्न फल दूध ये सभी पर्याप्त करवाते रहते हैं। तो कृषक इतना कार्य करते हैं, इतनी खेती का कार्य करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं और बदले में हमें अन्न प्रदान करते हैं और खुद अपना कष्टदायक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा होता है किसान की जीवन परिचर्चा। तो किसान इसीलिए कर्मवीर कहलाता है, क्योंकि वह इतना कार्य करता है, इतना परिश्रम करता है, इतनी खेती करता है और बदले में हमको क्या देता है, शाक फल सब्जी और दूध भी दूहता है, तो दूध भी हमें प्रदान करता है। तो कृषक और कृषि का बहुत सा कार्य करके, बहुत परिश्रम करके हमें ये सभी चीज़ें प्रदान करवाते हैं। तो आपका होमवर्क है, शब्दार्थ करना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 अपने नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।